वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डार्क सोल्स वॉक थ्रू। और इससे पहले कि हम लोग वापस डार्क रूट गार्डन में घुसें, ओके, मैं सोच रहा था कि मेरे पास शायद कोई काम की सोल आइटम्स पड़ी हों जो मैं लेवल अप करने के लिए यूज़ कर सकूँ, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट हैपनिंग। सो बहरहाल लेट्स गो और होपफुली अब हम कोई बेहतर डैमेज डील करने के काबिल होंगे उन एनिमीज़ पे। 280 डैमेज जो है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। आई मीन नहीं यार, ज़्यादा डैमेज होना चाहिए। से ड्यूल हैंड करूं, इक्विपमेंट 195 और 85, स्टैट्स तो गलत शो नहीं करा रहा, बट स्टिल जो है वो लेवल 24 वाली जो रिक्वायरमेंट है बेस हम मीट नहीं कर रहे, तो शायद इस वजह से हमें प्रॉपर जो स्ट्रेंथ बोनस है वो नहीं मिल रहा। बट फर्क ऑलरेडी नज़र आ रहा है, ये एनिमीज जो पहले टू शॉट हो रहे थे वो अब वन शॉट हो रहे हैं। डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या शायद मैं कुछ डिफरेंट टाइप की उम्मीद लगा के बैठा था इस वेपन से, बट बहरहाल जो भी मामला है वो दिख जाएगा अभी जब हम ताकि एक्चुअली एंगेज करेंगे उन एनिमीज को। लास्ट एपिसोड के एंड में जिस बॉस को हम लोगों ने मारा था उसकी वेपन ड्रॉप होने का चांस था वहाँ पे, जो कि एक्चुअली हमारी मेन वेपन होगी इस प्ले थ्रू की, क्योंकि रीजनेबल स्टैट रिक्वायरमेंट और मैक्स डैमेज को देखा जाए तो बहुत अच्छी वेपन है वो। दो तीन वेपन्स ऐसी हैं, मेरे ख्याल से दो तीन भी नहीं, मुश्किल एक या दो वेपन्स होंगी ऐसी जो डैमेज के मामले में उसे आउट क्लास करेंगी, लेकिन उन वेपन्स का जो स्ट्रैट रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऑल राइट, सो डेफिनेटली अब हम काफ़ी बेहतर हैं, इन एनिमीज़ को टू शॉट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल रीजनेबल है। जहाँ पहले इनको इस सोर्ड की ही 4-5 हिट्स लग रही थी, बट बात यह है कि स्टिल हमारी हेल्थ ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुई है, सो डेफिनेटली ये डैमेज हमें पहले जैसा ही करेंगे। लेकिन ये सोर्ड इनको इतना जल्दी मार देगी कि इनको हमारे ऊपर डैमेज डील करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ रनिंग अटैक से कि इनको बाहर निकलने से पहले ही मार दूं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। ऑल राइट, सो ध्यान से मतलब अपने एरिया को इर्द गिर्द देख लिया करो कि यहाँ पे कोई एनिमीज तो नहीं है हमें एम्बुश करने के लिए, और अगर कोई एनिमी एग्रो हो गया तो मेक श्योर के पहले आप उसको मार लो नेक्स्ट किसी एनिमी को एंगेज करने से पहले। आ शिट, वेरी नाइस। सो अब मामला जो हैं वो काफी इजी फील हो रहे हैं। तो ये आइटम एक्चुअली एक और आर्मर सेट है, पूरा का पूरा ईस्टर्न आर्मर सेट। काफ़ी कूल लुकिंग आर्मर है, लेकिन एलीट नाइट आर्मर से थोड़ा हल्का है, और ऑफ कोर्स स्टैट्स थोड़े कम है इसके,
तो यहाँ इतने बहुत बड़े एरिया के अंदर एक्चुअली कोई ख़ास आइटम्स वगैरह नहीं है, सो जस्ट क्लिफ के एज पे मूव करते रहेंगे। पैसिव इफ़ेक्ट्स जो ग्रास शील्ड को इक्विप करने से हमें मिल रहा है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है स्टैमिना दोबारा जल्दी रीजनरेट होने में। सो ये नीचे वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने उस गोल्डन गोलम से फाइट की थी, वहाँ पे या नीचे वो जगह है जहाँ पे हाइड्रा से फाइट हुई, और ये वाटरफॉल वो है जिसके पास से गुजर के हम लोग गोल्डन गोलम से फाइट करने के लिए गए थे, और वहाँ पे एक लैडर थी। सो वो लैडर एक्चुअली हमें इस एरिया पे लीड कर रही थी, और उस लैडर को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं अब बिना 20,000 सोल्स पे किए ब्लैकस्मिथ को। लेकिन मसला ये है कि हमें वो करीब बॉनफायर नहीं मिलेगी, और हमें दोबारा बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ पे आना पड़ेगा अगर डेथ हो जाती है तो। यहाँ पे स्टिल काफ़ी एनिमीज़ होंगे हमें एम्बुश करने के लिए। सो ये नीचे वाला पाथ, या पहले इसको चेक कर लें। तो ये वो लैडर है, ये वाटरफॉल वाला एरिया वो क्रॉस किया था हम लोगों ने। एक्चुअली ये ऊपर क्लिफ है इसके, तो वो मज़ीद आगे लेक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इसके आगे वो जगह जहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रा से फाइट की थी। सो अगर आप लोग आना चाहो यहाँ से आ सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑल राइट, मेन हम लोगों ने प्रोग्रेस करना है इस तरफ से, लेकिन उससे पहले जो बाकी का सर्कुलर राउट हमारा ये रह गया है उसको पूरा कर लें। ऑल राइट, तो अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो एनपीसीज वगैरह हैं ये नाइट एनपीसी, ये बिल्कुल स्टैंड डाउन है, कोई हमला नहीं कर रहा हमारे ऊपर। ऑल राइट, तो हम दोबारा ये कवनेंट वाली जगह पे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, सिर्फ वो एक आइटम था जो हम लोगों ने पिक कर लिया, और उसके बाद सेकंड आइटम हम लोगों ने वो नीचे से एक सोल आइटम पिक किया था। ऑल राइट, अब क्रॉस करेंगे इस ब्रिज को, और इस ब्रिज के बाद तीन कैट्स से हमारी फाइट होगी। वो आप डिस्टेंस पे मूव करते हुए देख सकते हैं उनको, तो उनसे फाइट करने की बेस्ट जगह ये वुड्स हैं, ताकि वो यहाँ पे एंटर नहीं होंगी। आप एक सिंगल कैट को एग्रो करो और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। आप मतलब उनके अटैक को बेट करवाओगे, ये रोल करती हुई यहाँ पे आएंगी, और उसके बाद यहाँ पे उनके डैमेज डील करोगे। स्टैमिना रिफिल होने दें। और पहले इस साइड से क्यों आवाज़ आ रही है कैट की? कम ऑन कैटी। हम वन ऑन वन इजीली फाइट कर सकते हैं इनसे, लेकिन बात यह है कि वो वहाँ तीन है और काफ़ी मतलब ये तेज़ अटैक करती हैं, और अभी देखा है आप लोगों ने कि कितना डैमेज इन्होंने डील किया।
तो इस वजह से सेफर ऑप्शन यही है कि इनको इस तरह से मारा जाए और ये कैट्स एक्चुअली रिस्पॉन नहीं होंगी। सो एक तरह से इनको एज अ मिनी बॉस काउंट किया जा सकता है। वेरी नाइस, वन डाउन, टू मोर टू गो। अल्ट्रा ग्रेट सोर्ड के हर दो अटैक्स जो हैं वो इनको स्टैगर कर देंगे, तो उसके बाद ये फ़ौरन से अटैक नहीं करेंगी। और एक्चुअली इस वक्त दो ही अटैक्स हम लोग कर सकते हैं और उसके बाद जस्ट एक रोल करने के लिए स्टैमिना बचेगा हमारा। कम ऑन कैटीज, एक अटैक और ये चीज़। ओके कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ओवर अग्रेसिव हुए, उसके बदले में हम लोगों ने एक हिट खाई, बट इट्स ऑल राइट। कम ऑन कैटी कैट, रनिंग अटैक एक्चुअली नॉर्मल लाइट अटैक से ज़्यादा डैमेज डील करता है। शिट, एंगल नहीं सही बना, जो मैंने हैवी अटैक वर्टिकल स्लैम किया था। कम ऑन गुड कैट, ऑल राइट। सो यहाँ राइट साइड पे एक आइटम होना चाहिए। वेरी गुड, और अब लेफ्ट साइड से प्रोसीड करेंगे हम लोग आगे, और हमारा सामना होगा पहली बार मशरूम पीपल से, जो देखने में बहुत क्यूट लगते हैं लेकिन एक ट्रक की तरह आके हिट करते हैं। सो ये रहे क्यूटीज, बहुत हेल्थ है इन लोगों की। बे स्ट्रेट लाइन में भाग ले, ऑलमोस्ट बुरा फील होता है इनको मारते हुए। आई थिंक वी आर द बैड गाइस। और वहाँ पानी के सेंटर में जो है वो इनके पेरेंट खड़े हैं, एक्चुअल जो लोग बहुत सारा डैमेज डील करते हैं। वाओ, ये बंदा अल्ट्रा ग्रेट सोर्ड का क्रिटिकल हिट बैक स्टैब बर्दाश्त कर गया, मरा नहीं, वन शॉट नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, अगेन इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा कोई बिखरे हुए आइटम नहीं होंगे। वहाँ पे जो फॉग दिख रही है वो एक्चुअली बॉस रूम है। सो पानी में हम फाइट नहीं करेंगे, इसको बाहर की तरफ लर करेंगे, क्योंकि पानी में हमारी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। ओके आई थिंक रनिंग अटैक ही बेस्ट ऑप्शन है। ओ हो, देखा है, इजीली ये बंदे टू शॉट कर सकते हैं हमें। सो अटैक विफ करवा के मारना बेहतर है, क्योंकि इनकी रेंज कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल ये लंच कर सकते हैं हमारे पे, क्योंकि आपने देखा कि इसने एक दो स्टेप बढ़ाए हमारी तरफ। तो
उन स्टेप्स की वजह से हो सकता है कि आपकी टाइमिंग और आपका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ऑफ हो जाए। ओके सो ये बड़ा वाला आ रहा है तो पहले उससे डील करें। जैसे ही आप उनकी अटैक एनिमेशन स्टार्ट होते हुए देखो तो पीछे हटना शुरू कर दो और फिर अटैक पूरा होने के बाद उन पर मारो। बहुत ज़्यादा हेल्थ है और बहुत ज़्यादा अटैक पावर है इन लोगों की। ऑलमोस्ट मैंने हिट खा लिया इससे। बहुत शुक्र है कि अल्ट्रा ग्रेट सोर्ड स्टन करती है एनिमीज़ को और उसकी वजह से बचत हो गई। ऑलराइट सो यहाँ से हमें मिलेगा एन्चेंटेड एम्बर। ये एम्बर एक्चुअली जब हम जाके देंगे उस ब्लैक स्मिथ को फायरलिंक श्राइन के नीचे जो था, तब वो वेपन्स को आई थिंक +5 या +10 या जो भी उसके ऊपर मैजिक मॉडिफिकेशन है वो करने के काबिल होगा। ऑलराइट सो मूव करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। ठीक है सो पहले यहाँ इस स्ट्रक्चर के इस तरफ यहाँ से पिक करेंगे पूरा का पूरा स्टोन आर्मर। इस वक्त हैवीएस्ट आर्मर आपके पास यही है और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला जो आर्मर है वो भी यही है। और इस ब्रिज को अगर क्रॉस करेंगे तो हम लोग दोबारा पहुँच जाएंगे इस कवेनेंट लेडी के पास और वो रही सामने हमारी मतलब बॉनफायर, जहाँ पे मैं एक्चुअली जाना चाहता हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो बॉस फाइट है उससे पहले हमें हमारी सोल्स खर्च कर लेनी चाहिए और हमारे जो एस्टस फ्लास्क हैं वो भी रिफिल करवा लेने चाहिए। सो एक्चुअली इस बॉस फाइट में हम लोग एक वुल्फ से फाइट कर रहे होंगे जिसने सोल्ड अपने मुंह में पकड़ी हुई होगी और एक्चुअली काफ़ी तेज़ बहुत ज़्यादा अटैक करने वाला और हार्ड हिटिंग बॉस है ये। राइट मैं एक्चुअली अपने सोल आइटम भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो अगेन शील्ड जो है वो इस फाइट में लाइक ऑल फाइट्स बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस टाइम पे अपनी जो सोर्ड है उसको सिंगल हैंड पे नहीं चला सकता तो मे भी मैं बगैर शील्ड के फाइट करूं या शायद मेरे लेवल पूरे हो सकते हैं। एक लेवल रह गया और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई अब सोल आइटम नहीं है। सो या इट्स ओके और आई थिंक इस फाइट के लिए हम लोग किसी एनपीसी को समन नहीं कर सकते हैं। सो टेक्निकली दिस इज़ अ गेट गुड फाइट जहाँ पे गेम आपको बोल रही है कि पुत्र अब अच्छे हो जाओ, समझो कि फाइट किस तरह से होनी है। राइट सो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मोस्टली रहेंगे हम लोग और रेफरेंस पॉइंट हमारा वो सामने फॉग है, हमने उसकी तरफ जाना है। इस बॉस का क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा होगा तो इसके नीचे रहना काफ़ी बेहतर है
मोस्ट अटैक, बच सकते हैं हम लोग उससे। और आई थिंक मुझे अपनी वेपन को भी बफ करना चाहिए यहाँ पे। हमारे पास सिर्फ गोल्ड पाइन रेजन है, कोई बात नहीं, जितना भी बफ हम यूज़ कर सकते हैं वो करेंगे। देख रहे हो कितना बड़ा बॉस एरिना है, तो इसका मतलब है कि ये बॉस मूव करना पसंद करता है बहुत ज़्यादा, और इसकी फुर्ती की वजह से ही इसको हिट करना ज़रा डिफ़िकल्ट है। सो पहले पिक करेंगे ये हॉर्नेट रिंग। इस रिंग को इक्विप करने से हमारी जो बैक स्टैब्स या जो क्रिटिकल हिट्स हैं पैरी के बाद, उनकी जो अटैक पावर है वो बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाएगी, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा। ये बंदा है, डेफिनेटली नॉट एन इजी फाइट। वेरी नाइस, हम डैमेज जो है वो अच्छा डील कर रहे हैं, बस बिना ओवर अग्रेसिव हुए हम लोगों ने फाइट करनी है इससे। ईजी, नाइस ब्लॉक, एंड सही टाइम जब मिलेगा तब अटैक। उप्स, रोल गलत हो गई मेरी। ओके, देख रहे हो ये बॉस उछल रहा है इधर उधर। नाइस, सो इसके नीचे रहने की वजह से बहुत सारे अटैक्स इसके विफ हो रहे हैं। ओ भाई, मैं कैसे जिंदा हूँ। आ शिट, वी कैन स्टिल विन, डोंट वरी। ऑन सेफ, एक जगह रुक जा भाई, गुड डॉगी। अगर हम ये शील्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो चिप डैमेज हमें लग रहा है उससे हम बच सकते हैं। अब बारी है हील करने की। वेरी नाइस, जस्ट एक तो हिट्स और, एंड देयर वी गो। कवेनेंट ऑफ आर्टोरियस और सोल ऑफ सिफ। सो सोल ऑफ सिफ से एक्चुअली हम लोग तीन चीज़ें बना सकते हैं, उसमें से दो ग्रेट सोर्ड्स हैं और एक शील्ड है, और जो शील्ड है वो एक्चुअली स्ट्रेंथ बिल्ड के हिसाब से कंपेटेबल है। सो काम की चीज़ है वो। जो ग्रेट सोर्ड्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी उनके हैवी स्टैट रिक्वायरमेंट हैं, सो अगर आप वो बनाना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप उसे गूगल कर लो। लेकिन बहुत कमाल की सोल्स मिली हैं हमें इस बंदे से, और एक्चुअली जो रिंग इस बंदे ने ड्रॉप की है, मेरे नहीं, इस वुल्फ ने एक्चुअली,
वो लाजमी हमें चाहिए गेम में प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि जब वो पॉइंट आएगा जहाँ पे उस सोल को, उस रिंग को एक्चुअली यूज़ करने का वक्त आएगा, तो मैं बताऊँगा कि क्यों ये रिंग ज़रूरी थी। बहुत लंबा हक किया इस बंदे ने। सो अगर आप स्टिल इस बॉस पे डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अब हम जिस एरिया की तरफ जाएंगे वो ज़्यादा तंग करने वाला है बनिस्बत इस एरिए के, बट स्टिल आप चाहो तो यहाँ पे बाद में आके इस बॉस से फाइट कर सकते हो। वाओ, ऑलमोस्ट लगा कि ये हिट कनेक्ट नहीं होगी। ओके, इससे पहले के जाके हम अपनी जो सोल्स हैं उनको लेवल्स में डालना शुरू करें। हाँ जी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग फिलहाल मॉडिफाई इक्विपमेंट में? हम लोग डिवाइन जो एंटर ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने डिवाइन एम्बर दिया था, तो हम इस तरीके से मॉडिफाई में आके इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे मैजिक डैमेज जो है वो ऐड हो रहा है। ये मैजिक डैमेज एक्चुअली फेथ पे स्केल हो रहा होगा। तो ये इस तरह से वेपन मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ पे हमें चाहिए वेपन स्मिथ बॉक्स, आर्मर स्मिथ बॉक्स, ताकि हम अपनी वेपन्स और शिट नहीं, मैंने दो गलत चीज़ें बाय कर ली हैं। ऑन फायर के ऊपर अपना आर्मर और अपना जो अपनी जो वेपन्स हैं वो हम रीइंफोर्स कर सकते हैं। सिर्फ वेपन मॉडिफिकेशन के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। रिपेयर बॉक्स एक्चुअली मैं बाय करना चाह रहा था, ताकि हम अपना जो अपने जो वेपन्स हैं और जो आर्मर है वो बॉन फायर के ऊपर सोल्स दे के रिपेयर कर सकें। सो अगेन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एरोज कभी भी नुकसान नहीं देंगे। सो मेक श्योर कि एक अच्छी अमाउंट आपके पास हो अभी, क्योंकि इस बॉस के बाद बहुत सारी सोल्स आपके पास हैं, तो शॉपिंग पे जाने का ये अच्छा वक्त है। लार्ज एरोज हाई हेल्थ एनिमीज़ को मारने के लिए ज़रा हाई लेवल डैमेज डील करने का काम आएंगी। बोल्ट्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कि मोस्टली बो ही काफ़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहो तो बोल्ट्स वगैरह भी बाय कर सकते हो। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे हमारे पास वेपन आर्मर रेनफोर्स करने का ऑप्शन आ रहा है और रिपेयर करने का भी। तो जो कुछ है वो मैं यहाँ पे फिलहाल रिपेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे रिपेयर करने से हर चीज़ फुली रिपेयर हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप वक्फे वक्फे से ये रिपेयरिंग करते रहा करो, ताकि ऐसा ना हो कि मिड फाइट आपको यहाँ पे वेपन या आर्मर के ब्रेक होने को फेस करना पड़े। ऑलराइट, मेरे पास कोई सोल आइटम है क्या? यप, सोल ऑफ सिफ है। जैसा कि मैंने बोला अगेन कि आप इसी बिल्ड में एक अच्छी शील्ड जो है वो इससे बनवा सकते हो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है इससे शील्ड बनवाने का, तो इसकी सोल मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग इसे रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो। वेरी नाइस, सो 280 पे था हमारा वेपन डैमेज, और अब 28 डैमेज मज़ीद इंक्रीज़ हो गया, सो दैट्स गुड। या ये एपिसोड मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर एक लंबा सारा रन लेंगे और वापस जाएंगे अंडरबर्ग, और फिर अंडरबर्ग से नीचे वहाँ पे जो मर्चेंट है उससे मिलना है। एक और एक ज़रूरी आइटम जो है वो मैं बाय करना चाहता हूँ, वो करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।